सर ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू और शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, स्पेशली साबिर साहब को जिन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट रखा मेरे साथ बरेली शहर में, और जितने भी यहाँ मौजूद हैं जो टाइम निकाल के आए हैं वक्त निकल जाएंगे। जब आप किसी कंपनी पर काम करते हैं और इतना पीरियड देते हैं 14 साल 15 साल, तो वो कंपनी नहीं रहती, आपकी फैमिली रहती है। और सडनली जब आपके पास न्यूज़ आती है कि आपकी आखिरी फ्लाइट है आज और उसके बाद जो है आपको घर जाना है, अब आगे ही नहीं है, तो मैं अगर ये बोलूं कि अगर ये पैरों तले ज़मीन निकल जाना तो ये बहुत बड़ी कम बात होगी उसके लिए। यही हम लोगों के साथ में हुआ, लेकिन हम लोगों ने सब्र किया और उसके बाद 15-20 दिन के बाद ये पता चलता है कि लगातार लोगों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया। और एक टाइम ऐसा आया कि 6 महीने के अंदर हमारी जो रेट्स ऑफ सुसाइड हो गया वो 9 से 10 की रेंज में पहुँच गया। तो मैंने जनरली ये चीज़ सोची कि जब मैं दूसरे शहर में जाके सक्सेस कर सकता हूँ तो इस शहर के अंदर क्यों नहीं, जहाँ मेरी पैदाइश है, जहाँ मेरे घर वालों ने मुझे, जहाँ मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड है, सब कुछ। तो सोचा कि ऐसा कुछ करें कि थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, अलग हो। और शबील आसमी का एक शेर है कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। तो उस शेर को इम्प्लीमेंट किया और मुंबई कैटर आपके सामने, इसमें 17 प्रोजेक्ट ऐसी बोला है उन्होंने, 17 प्रोजेक्ट हैं हमारे। उस प्रोजेक्ट्स के नाम हमारे ये मेरे मुंबई केटरर्स है और इसमें 17 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, जिसमें फुल केटरिंग्स हैं, मैरिज कार्ड्स हैं। बच्ची की शादी के बाद आपने मुझे कॉल किया और उसके बाद शादी के कार्ड से लेकर बच्ची की रुख्सती की जिम्मेदारी तक मेरी है। मतलब देखा जाए तो आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। आपने यही केटर्स का काम क्यों चुना, इसके अलावा और भी बहुत से रास्ते, बहुत से काम है, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये विशेषता है आपकी इसमें। इसमें देखिए, मेरा पहली बात तो केटरिंग का जहाँ तक है तो मुझे शौक भी है खाना बनाने का। मैंने 1.5 साल वहाँ पे होटल इंडस्ट्री में भी रहा हूँ, होटल मेरिडियन अहमदाबाद में जॉब भी की है मैंने। तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी प्रोफाइल जो 14 साल की मैंने एक क्लब करके मैं यहाँ पर बरेली के अंदर अपना यूटिलाइज कर रहा हूँ। इसमें 17 प्रोजेक्ट्स हैं मेरी, फुल केटरिंग, मैरिज कार्ड्स, बैंकेट हॉल, प्री वेडिंग शूट्स, प्रोफेशनल शूट्स, कोरियोग्राफर, कैब की फैसिलिटी, लड़के की ब्राइड का ग्रूमिंग और उसकी शेरवानी तक का नाप, निगाह की के लिए मौलाना, मंडप पंडित के लिए मंडप, एक एक चीज़ अवेलेबल है। और उसके बाद अगर किसी को बहुत अच्छा प्रोग्राम करना है और सेलिब्रिटी इनवाइट करना है बरेली शहर में, जैसे कि बरेली शहर बहुत ग्रूम हो रहा है, दिन ब दिन ग्रूम हो रहा है, तो मैं वो भी प्रोवाइड करता हूँ। क्योंकि मैं मोस्टली जितने भी बॉम्बे में मैं सब सेलिब्रिटी इवेंट्स में देख रहा हूँ 60%। तो ये सब चीज़ें हैं, ये कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए हैं, आप लोगों का साथ चाहिए हैं, डेफिनेटली वी विल डू बहुत बड़ा काम। लड़की चाहती है मेरी शादी बहुत अच्छी हो, दुनिया उसकी तारीफ करे जी। ये गरीब लड़की का सपना कैसे पूरा करेंगे? गरीब लड़की का सपना पूरा करने के लिए सर देखिए, आप लोगों की दुआएं होंगी और मैं कोई, ये जो चीज़ है देखिए, इसके लिए टैगलाइन ये दी है मैंने, गरीबों के लिए टैगलाइन दी, सबसे सस्ता, ये गरीबों की टैगलाइन है। और आपका सवाल का जवाब है, मैं खड़ा हो सकता हूँ इसको मैं, ये टैगलाइन गरीबों के लिए है और सबसे सस्ता जो है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, वो यही रीज़न है कि मैं कोई जो इतना बड़ा मेरा पैकेज नहीं है, ना मेरा कोई इतना बड़ा स्लेवल पे है कि मुझ तक आने के लिए आप लोगों को सोचना पड़े। दूसरा पंच पॉइंट मेरा ये है कि होम सर्विस, आपको मेरे ऑफिस पे आना जरूरत नहीं है, आई हैव माई ओन एग्जीक्यूटिव्स, वो वहाँ पर जाएंगे, आपने कॉल किया, ब्रीफ करेंगे, आपको मुझे परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि जिम्मेदारी जब बच्ची की होती है और जब उसकी शादी होती है तो बाप के सिर से और उसके कंधों से जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक उसकी रुख्सती नहीं हो रही है, जब तक जिम्मेदारी उसके ऊपर है, तो वो जिम्मेदारी कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने ऊपर लेने। देखिए, अमीर के साथ 100 लोग हो जाते हैं, गरीब के साथ 9 लोग नहीं होते, गरीब के साथ खुदा होता है। उस लाइन पे चलने के लिए क्या करें, जिसके लोगों को 100 लोगों को खाने का खर्च की जरूरत है, पूरा सब कुछ बता रहे हैं, गरीब है जी, कम से कम क्या है, ज़्यादा ज़्यादा सर देखिए, हम लोग पर प्लेट पर भी काम कर रहे हैं यहाँ पे और हम लोग पर वेट पे भी काम कर रहे हैं जी। ओके, अगर पर प्लेट के हिसाब से हैं, वी हैव अ रिस्पेक्टिव मेन्यू जो कि अभी हम लोग बुकलेट अभी लॉन्च करेंगे अपनी, उसका रिस्पेक्टिव मेन्यू है, उसकी पर्टिकुलर एक पैकेज है हमारा। और अगर आप वेट के हिसाब से बात करेंगे तो उसका मेन्यू अलग है, ये नहीं कह रहे हैं कि कोई लीनियंसी नहीं रहेगी। वेट पे अगर आप देखेंगे तो 350 रुपीज़ पर वेट के हिसाब से आप मान चलिए, जिसको हम डेडलाइन आपके 280 तक लेके जाएंगे, रिस्पेक्टिव मेन्यू 280 तक लेके जाएंगे। जैसे कि आपके पास जैक एयरबेस में और भी लोग थे जी, तो उस समय बेरोजगार होंगे, क्या वो भी आपके साथ में? नहीं नहीं सर, क्योंकि वेरी फ्रैंक मैं बताऊं आपको, मैं पायलट को रोस्टर करता हूं, अभी भी मेरा यही जॉब है। और पायलट जिसमें 894 पायलट अभी बेरोजगार हैं जिनकी सैलरी 18।
मुझे सामने आराम पास पास हो जाइए और पास में ऊपर आ जाते ना तो दोनों चीज ऊपर आ जाते ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ऊपर आ जाओ कैसे क्या पूरा हमारा बढ़िया है आराम ऊपर आ जाओ ऊपर एक मिनट भैया काम देखिए जी।